नमस्कार, अपना पंचित देख रहे हैं विराट बघेली बुलेटिन सोनू के साथ। अल्प वर्षा के चलत रीवा जिला सूखा के कगार में पहुंच गया है। कम वर्षा होए के चलत किसान अपने फसल के बुवाई नहीं कर पावत लागा ही। ऐसने में किसान का जरूरत है कि सगले नहर में बाण सागर के पानी छोड़ा जाए। किसानन के समस्या का देख के किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी प्रशासन से मांग करी हमा के सगले नहर में पानी छोड़े के साथ साथ जले ट्रांसफार्मर की जानकारी इकट्ठा कर के उनका बदला जाए। आइए अपना पंजन का सुनाई थे किसान नेता का मांग करी हमा। इतनी तेज धूप है, आप देख रहे हैं कितनी तेज धूप है, खेतों में कहीं पानी का आता पता नहीं चलता है। जहाँ मान लीजिए बिजली दो चार घंटे के लिए आती भी है तो खेतों में ट्यूबवेल का पानी कहीं आता पता नहीं चलता है। धान की जिन किसानों ने नर्सरी पहले डाल दी थी वो नर्सरी अब धान लगाने लायक तैयार हो गई है, आखिर किसान जाएं तो जाएं कहाँ। बारिश एक तरफ नहीं हो रही है, एक तरफ पूरे बाण सागर का पानी भी, जितना पानी बाण सागर में आया है उतना ही पानी को जिले के समस्त नहरों में अभी नहीं छोड़ा गया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी की थी और जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन अभी सभी नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ये पता लगाया जाए कि रीवा जिले में कितने ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, कितने दिनों से ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, ग्रामीण अंचलों में कितने घंटे बिजली रहती है, कितने घंटे कटौती की जाती है, और कटौती से लेके जले ट्रांसफार्मर का बदलने का काम करवाएं। साथ ही जो अधिकारी लगातार लापरवाही बरत रहे हों ट्रांसफार्मर बदलने में, उनको बदला जाए। जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम पंचायत पतुलखी छत्रपाल सिंह मां शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन कीनगा, जिम ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच का पद और गोपनीयता के शपथ दिवाई गए। ये मौका में भारतीय जनता पार्टी मऊगंज के मंडल उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा मुख्य अतिथि रहे। अपना का बताई दी अनुराधा साह के सगले हनुमना विकास खंड में सबसे युवा सरपंच के तौर में निर्वाचित भई हैं। जो अवसर प्राप्त हुआ है उसे मैं कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। इस मौके पर मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि गांव एवं गांव के सम्मानित नागरिकों के विकास कार्य के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूंगे। मैं आप सभी का आशीर्वाद और प्रणाम को स्वीकार करती हूँ और समस्त आए हुए पदाधिकारी कर्मचारी और सम्मानित नागरिक को मेरा सादर प्रणाम। चोराटा थाना क्षेत्र में जम के मादक पदार्थन के बिक्री हो रही है। खासकर करहिया मंडी के लगे खुलेआम अवैध मादक पदार्थ के कारोबार फल फूल रहा है। क्षेत्र के बुच्ची साहू नामी तस्कर आए, अब तस्करी के साथ साथ गुंडागर्दी शुरू हो गई है। बताया जाता है कि रेखा रावत गांव के निर्विरोध सरपंच चुनी गई हैं, जिनके पति मुकेश उर्फ भोले का समझौता खातिर बुलावा गया रहा, जिनके ऊपर हमला कीन गया है। बताया जाता है कि हमला में बुच्ची साहू और कल्लू सिंह के साथ 2 दर्जन लोग शामिल रहे। आइए अपना का दिखाई थे पूरी घटना और सुनाई थे पीड़ित के साथ थाना प्रभारी का के यह मामला मका कहीं। मुकेश रावत उर्फ भोले, क्या घटना हुई? ये बुच्ची साहू है, विजय साहू उर्फ बुच्ची, ये बहुत बड़ा तस्कर है माहौल का, फोरेक्स बेचवाता है। उसके साथ एक और है, उसका नाम है कल्लू सिंह, सचेंद्र सिंह उर्फ कल्लू। तो इनका विवाद हुआ, ये है लल्ली साकेत हैं, इनका विवाद हुआ तो ये लोग हमको बोले कि आप सरपंच साहब हैं तो आप चलिए हमारी रिपोर्ट लिखवा दीजिए चोराटा थाना में। हम इनकी रिपोर्ट लिखवाने गए तो जैसे ही थाना पहुंचे उसके पहले वही विजय साहू बुच्ची का फ़ोन आया, उसने हमको बोला कि सरपंच साहब आप रिपोर्ट मत लिखवाइए, FIR मत करवाइए, समझौता करवा दीजिए। तो हम कहें क्या समझौता करवा दें, कहीं हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, गलती हो गई। तो हमने ये बोले कि नहीं वो समझौता ना करी वो मारी, फिर हम बोले ना अपना हम आप बात मान ली, चलिए हम समझौता करवाए थे। अब जैसे गए बंद कराएगा ऑफिस, मतलब जो हमारे पूर्व सरपंच बबलू कुशवाहा उनके ऑफिस में हम बुलाएं कि वहाँ आ जाओ हम समझौता करवाए दे रहे हैं, और जैसे हम वहाँ पहुँचे 2 मिनट हुआ नहीं, बुच्ची साहू विजय साहू उर्फ बुच्ची और ये सचिन सिंह कल्लू
कम से कम 25-30 लड़के लेके मैंने मना करते करते इसको मारना शुरू करे ऑफिस के अंदर घुस के, और हमने उनको मना किया तो पहले तो हमको मारे, वो खुद ही मारने लगे हमें। हमने जब जाना कि ये नहीं मानेंगे तो मैं इसके ऊपर लेट गया, फिर भी हमको मारे। ये देखिए हाथ, यहाँ मेरा पैर इतना सूज आया हा? अरे डंडा से डंडा हाकी ले रहे हैं कूड़ा मारिन। अभी जाम लगा था, क्या घटना हुई? यहाँ गांव में विवाद हुआ था, उसी से आक्रोश भीड़ सड़क पे आ गई थी, जिन्हें समझा दिया गया है। आरोपियों के विरुद्ध थाने में FIR दर्ज हो गई है, और जो पीड़ित पक्ष है उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया है, उनकी MLC हो गई है, डॉक्टरी है, इलाज चालू है लोगों का। विकास के नाम में रीमा जिला के नेता कौने मेर के खेल खेला थमा ये कोहू से छुपा नहीं आए, जहां नेतन के जमीन ही वहीं जरूरत उत्पन्न की जाती और आपन विकास करा थमा। ऐसा एक थे मामला रीमा चौराहटा हवाई पट्टी से आबा हवाई, जहां हवाई पट्टी का हवाई अड्डा के रूप में विस्तार करे खातिर 2016 से किसान के कृषि जमीन का बेचे के नामांतरण में रोक लगाए दिन गए रही। अब किसान न तो अपने जमीन का बेच बाबत लागा ही और न कौनो उपयोग उन जमीन के कई बाबत लागा ही। मामला है हमारा, बैंक से हमने लोन लेने क्रेडिट कार्ड में दिए हैं, आज हमारा बढ़ता बढ़ता 5 लाख कल जाके 9-10 लाख रुपया बना दिए, तो वो कर्जा हम कैसे भर पाएंगे, कहाँ से हमारी आएगी? हमारे लड़के बच्चे बेरोजगार बढ़े, किसी की नौकरी चाकरी कुछ नहीं है, तो अगर हवाई अड्डे में ज़मीन ली जाती तो हमारे बाल बच्चों को नौकरी कर्मचारी को बनावा जाती। रोक लगी है जमीन, ना आप बेच सकते हैं ना कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसी कारण से हमारा कर्जा बढ़ रहा, हमारे लड़के बच्चे परेशान हैं। इसे अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम लोग चाहते हैं कि उसमें रोक उसको खोला जाए, निश्चित हो जाए, दे दिया जाए जो देना, और नहीं देते हैं तो हमारा लोग खोल दिया जाए, नहीं देंगे ज़मीन। अभी आप लोगों की ज़मीन यहाँ पर फंसी हुई है, ज़मीन है, किस तरह से दिक्कतें हो रही हैं, क्या चाहते हैं आप? पहली तो बात है कि ज़मीन में जो रोक लगाई गई है, नामांतरण, बंटवारा, बिक्री, ये सब रोक हटाई जाए। इससे किसान, बहुत से किसानों का स्वर्गवास हो चुका केवल दवाई की वजह से, जो ये उदाहरण यहाँ पर हैं। दूसरी बात है कि हमारी जो हवाई पट्टी बनी हुई है, और इधर उत्तर दिशा में NH-7 बना हुआ है, NH-7 से इसको रोक हटाया जाए, इधर विस्तार न किया जाए। दक्षिणी भाग काफ़ी पड़ा हुआ है किसानों की ज़मीन, वो देने को तैयार भी हैं। तीसरी बात है कि जो हमारा यहाँ का जो मुआवजा बने वो सेंटर गवर्नमेंट के हिसाब से बने, ना कि यहाँ के राज्य के हिसाब से बने, ताकि यहाँ से जो विस्थापित हों वो कहीं दूसरे जगह अपना घर बदले में कोई अच्छी ज़मीन, अच्छी जगह, हाँ, काम कर सकें, ज़मीन खरीद सकें। तो ये शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और किसानों की बात सुनना चाहिए। हम लोग अपना किसानों का जो हम लोग नेता बनाए हुए हैं श्री सुब्रतमन त्रिपाठी जी को, तो उनको सारी बातें बताते रहते हैं, वो सालों साल से वो अपनी बात आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो सीधा जिले की बात करें तो किसानों के अलावा, कृषि के अलावा कोई रोज़गार नहीं है, किसानों के लिए लड़की की शादी करना है, उपचार कराना है, बाहर भेजना, तो सिर्फ ज़मीन ही एक ऐसा साधन है कि हमारी ज़मीन, उस पर भी रोक लगा दी गई, आप निश्चित कर रहे हो, कितनी बड़ी ज़्यादती आप मानते हैं, किस तरह से? बहुत बड़ी ज़्यादती, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और हम सब लोग सुब्रत मणि त्रिपाठी जी से बात उठाते हैं, उनसे पहुँचवाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक साल से वो लगातार अपनी बात को, हम लोगों की बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, लेकिन कोई उसका अन्नदाता है किसान, लोगों का पेट भर रहा है किसान, लेकिन खुद अपनी समस्या नहीं हल कर पा रहा। उसके पास ज़मीनें हैं, बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो पढ़ा नहीं पा रहा। उसकी एक वजह है कि हवाई पट्टी के आसपास उसके आवास हैं, वो रह रहा है, उसकी ज़मीन पर रोक लगी हुई। इसी तरह की और कई समस्याएँ हैं लोगों के पास, चाहे वो सड़क का हो, चाहे हवाई पट्टी के कारण हो, किस तरह से दिक्कतें हैं ये ज़मीन में रोक लगाने के कारण, क्या चाहते हैं यहाँ के लोग? अब ज़मीन, हवाई पट्टी जो स्थापित है वो रोड के दक्षिण साइड में स्थापित है, अब पूरे गांव में रोक लगा देना, 4-5 गांवों में रजिस्ट्री में रोक लगा दिया गया है, तो उसके कारण किसानों का अनेकों तरह से परेशानियां होती है। किसी को बच्चे की शादी करना है, किसी को बच्चों को स्कूल में लोन लेना है, तो वो सारे इस कारण वो ज़मीन न तो ले पा रहा, ना दे पा रहा है, नामांतरण नहीं हो पा रही, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही है, नेचुरल उनके अपने काम रुकते हैं, इसलिए अपनी एरिया चिन्हित कर लें, उस एरिया में रोक लगाना जायज है, बकाया एरिया के बाहर तो हमारी समझ में नहीं आता कि पूरे 5 गांवों में एक साथ रोक लगा दें, ना आम पब्लिक का काम निस्तार बंद हो जाए, आम जीवन माने प्रभावित हो जाए, आम जीवन रुक जाए। हमारी पूंजी को रोक लगा दिया गया, इस तरह से जैसे हमारी पूंजी ही है खेती ज़मीन, हमारी पूंजी उसी पर रोक लगा दिया गया। हाँ, फिर आप हम इसको कहेंगे हम विकास करना चाहते हैं, आना जाना शुरू हो जाएगा, इसके लिए क्या? नहीं, विकास सतत प्रक्रिया है, होना भी चाहिए, पर आम पब्लिक, आम जनजीवन को प्रभावित करके विकास होना, विकास की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए विकास तो हो,
पर आम जनता का और हित भी ध्यान रखा जाए कि आम जनता उससे प्रभावित एक तरीके से हो। आप निश्चित कर दीजिए कितनी जमीन आपको, इतने एकड़ जमीन चाहिए, इतनी एकड़ है, केंद्र सरकार जो हमारा मुआवजा है वो हमको मुआवजा मिल जाए अपनी एरिया चिन्हित। मुआवजा की जहाँ तक बात आई, ग्रेडिंग जो की गई है गवर्नमेंट की, एक ही ग्रेडिंग की गई है, कृषि योग्य असिंचित जमीन, जबकि हमारा गाँव अग्राल ग्राम शहरी ग्राम नगर निगम से जुड़ा हुआ ग्राम है और यहाँ पर ग्रेडिंग जो की गई है असिंचित ज़मीन। अगर किसान बेचता है या ख़रीदता है, क्रेता विक्रेता, तो वो ज़मीन कोई भी किसी भी एरिया की ज़मीन अगडाल गांव में असिंचित नहीं की दी जाती, इसलिए कि सरकार को शुल्क अधिक मिले पंजीयन शुल्क के लिए, वो तो कर दिया कि सिंचित ज़मीन है तो उसका भार आता है क्रेता के ऊपर। और जहाँ सरकार को शासन की देने की मंशा आ जाती है वहाँ छोटी ज़मीन पाँच पाँच डिसमिलों की ज़मीन लोगों की गई हुई है, पाँच डिसमिल ज़मीन वो जब रजिस्ट्री की जाती है पंजीयन किया जाता है तो उसका किया जाता है बर्फीट के आवासीय मान के किया जाता है, और जबकि जनता से जो लिया जा रहा है वो असिंचित करके दे दिया जाता है। तो किसान खेती करता है, बीज लेने जाता है तो उसको महंगे दाम पर मिलता है, जब किसान की फसल होकर तैयार हो जाती है तो वही किसान सस्ते रेट में बेचने के लिए मजबूर होता है। किसान के पास ज़मीन है, जब ज़मीन आप हमको देते हो तो महंगा लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो, लेकिन जब मेरी ज़मीन ले रहे हो तो कौड़ियों के भाव ले रहे हो। किसान के ही साथ क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? अब किसान इसलिए कि सबसे अधिक कमज़ोर श्रेणी में किसान को रख दिया गया है, किसान को पेट किसान भर रहा, अन्नदाता किसान है, किसान को अपनी लड़ाई सामने आके जब तक वो लड़ेगा नहीं इकट्ठे हो गए अपने, तब तक शासन के ऊपर कोई भी असर होने वाला नहीं है। उस दिन हम लोग उपस्थित रहेंगे। किसानों की सड़क रिंग रोड के रूप में ले ली गई, उसमें किसानों की ज़मीन चली गई, बाईपास में किसानों की ज़मीन ले गई उसमें चली गई, हवाई पट्टी के रूप में रोक लगी है, शहर की जो ज़मीन है करोड़ों की ज़मीन है वो सब ज़मीनें देकर व्यापार किया जा रहा, किस तरह से रोजगार की बात नहीं करता कोई नेता विधायक, रोजगार की बात नहीं करता, सिर्फ ज़मीन रोको, ज़मीन पर रोक लगा दो, बेचो भाई इसको, क्योंकि उसको जो ये लगा हुआ है तो इसको खोला जाए, क्योंकि हम लोग भी कुछ आगे कर सके, जितना हम लोगों की ज़मीन अतिक्रमण में जा रहा है तो उसकी वजह से हम कहीं ज़मीन खरीदेंगे, है ना, तो इसको जो है तो जल्द से जल्द इसका करवाया जाए। जब सुब्रत भैया हमारे कहेंगे, जिस दिन कहेंगे उस दिन हम लोग हवाई पट्टी के पास उपस्थित रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या के साथ हम लोग उपस्थित रहेंगे। यानी किसान अब विरोध पर उतरेगा, विरोध करेगा, निश्चित तौर पर किसानों को विरोध करना भी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा, किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा, उसके पीछे कुछ योजना बनाई, किस तरह की योजना है आगे आप लोगों की? हम लोग संघर्ष करेंगे और अपनी ज़मीन को मुक्त कराएंगे जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया है, और हवाई पट्टी से उत्तरी भाग में ज़मीन नहीं इनको लेने देंगे, दक्षिणी भाग है, पश्चिमी भाग है, ये विस्तार कर सकते हैं और उचित मुआवजा इसका दें, क्योंकि ये 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर से ऊपर भी हवाई अड्डा का निर्माण होना चाहिए, पर चूंकि ये बना हुआ है विस्तार ये करें, विकास करें, लेकिन उचित मुआवजा दें हम लोगों को और ये प्रतिबंध हटा लें ताकि जो पीड़ित हमारे किसान हैं उनको राहत पहुंचे। आज खातिर इतना, बघेली में बिंद के समाचार दिखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।